पेट्रोलियम मंत्री जो एक वरिष्ठ आईएफएस ऑफिसर रहे हैं, वो अज्ञानी बात करके, मिथ्या बात करके, झूठ बोलकर देश को भ्रमित क्यों कर रहे हैं? क्या ये सही नहीं? तीन बातों का जवाब दे दीजिए। क्या ये सही नहीं कि 7 साल में 13 बार पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर सरकार ने 23 लाख करोड़ रुपया आम जनमानस की जेब से लूटे हैं? नंबर दो, पिछले 7 साल में केवल 6,000 करोड़ रुपए के ऑयल बॉन्ड की पेमेंट हुई है, केवल 6,000 करोड़ रुपए के, और आपने लोगों से वसूल लिए 23 लाख करोड़। तो 23 लाख करोड़ ज्यादा है या 6,000 करोड़ ज्यादा है? 6,000 करोड़ रुपए के लिए आपने 410 रुपए का सिलेंडर 885 रुपए का कर दिया। अंतरराष्ट्रीय मार्केट में जब हमने सरकार छोड़ी, कांग्रेस ने, कच्चा तेल $105 था, आज $71 प्रति बैरल है। जो गैस है वो लगभग $686 प्रति मीट्रिक टन थी, $800 प्रति मीट्रिक टन थी, आज $686 प्रति मीट्रिक टन है। तो कच्चे तेल की कीमत गिर गई, गैस की कीमत गिर गई, पर आप जनता की जेब काट रहे हैं, लूट रहे हैं, पहले चोरी और फिर सीना जोरी, ये इसे ही को कहते हैं। असम गवर्नमेंट ने एक ये फैसला किया, राजीव गांधी नेशनल जो है ये फैसला किया, क्या इससे पहले भी कई मौके ऐसे देखे गए जहां राजीव गांधी का नाम जो है वो चेंज किया, या कैसे देखते हैं? क्या भाजपाइयों ने कभी कुछ बनाया भी है? केवल मिटाया है। हरियाणा में एक कहावत है, कुछ बनाना जानते हो? बोले नहीं, केवल दोनों हाथों से मिटाना जानता हूं। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। और वो व्यक्ति जो आज असम का मुख्यमंत्री बना बैठा है, जो ये कहा करता था कि राजीव गांधी जी की वजह से मैं राजनीति में हूँ, राजीव गांधी जी मेरे आइडियल हैं, आज वो उनका नाम मिटाकर क्या समझता है कि राजीव जी का नाम मिट जाएगा? अरे, पार्कों से देश के शहीदों का नाम मिटाकर कुछ हासिल नहीं होने वाला। राजीव गांधी जी ने इस देश के लिए शहादत दी, और इस प्रकार की छोटी बातें करके भारतीय जनता पार्टी अपनी मानसिकता का परिचय दे रही है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।